आज की युवा पीढ़ी में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विश्व गुरु भारत न्यास की शुरुआत की गई है। साध्वी दीदी समाहिता के नेतृत्व में विधि विधान के साथ रविवार को खाटू श्याम के संकीर्तन के साथ इस संस्था का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 8 स्थित अग्रसेन धर्मशाला में किया गया। इस मौके पर सामाजिक एवं राजनीतिक जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान भारतीय सांस्कृतिक की परंपरा भी साफ देखने को मिली। इस मौके पर विश्व गुरु भारत न्यास के पदाधिकारियों ने बताया कि आज की युवा पीढ़ी जो पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ती जा रही है, उन्हें भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई। विश्व गुरु भारत न्यास के संस्थापिका साध्वी दीदी समाहिता ने बताया कि हम स्कूल, कॉलेज और ऐसे तमाम शिक्षण संस्थानों में पहुंचकर युवाओं को उनकी संस्कृति के प्रति जागरूक करने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर अन्य लोगों ने शुरुआत की जमकर सराहना की। इस मौके पर संस्था के सभी संस्थापक ट्रस्टी के साथ ही काफ़ी संख्याओं में राजनीतिक, धार्मिक व सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम आज श्याम बाबा का कीर्तन हुआ और बाबा के कीर्तन के साथ साथ विश्व गुरु भारत न्यास का उद्घाटन हुआ। दिल्ली इंद्रप्रस्थ रोहिणी के कुछ वरिष्ठ समाज सेवियों के माध्यम से और इस विश्व गुरु भारत न्यास का एक ही उद्देश्य है कि समाज में फैली जो कुरीतियां हैं उनसे बचा जाए और उनको दूर भगाने का प्रयास किया जाए। जैसे विघटित होते परिवार, हम दो हमारे एक, जाति, धर्म, भाषा, प्रांत में बटा हुआ भारत, ये सब मिटा करके हम अखंड भारत की कल्पना अगर करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी भाषा, स्वदेशी भाषा, स्वदेशी भोजन, स्वदेशी वेशभूषा को अपनाना होगा। और मैं विश्व गुरु भारत न्यास के माध्यम से स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्टल्स में जाऊंगी, छोटी बच्चियों से, बेटियों से, बेटों से मिलूंगी, उनको बौद्धिक देने के माध्यम से, परिवारों से संपर्क करके, परिवार भी बहुत सारे आगे आ रहे हैं, साथ दे रहे हैं, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चों में संस्कार आए, बच्चे स्वावलंबी बने, बच्चे भारत का भविष्य है। तो मेरा जो मूल उद्देश्य है, जो विश्व गुरु भारत न्यास का जो फोकस रहेगा, वो नन्हे बच्चे, छोटे बच्चे, बेटियाँ, उनके भीतर संस्कारों का रोपण, बड़े बुजुर्गों की छत्र छाया में वो रहें। आज हमने इसका उद्घाटन किया है विश्व गुरु भारत न्यास का, तो उसमें जो संस्थापिका अध्यक्ष हैं हमारी समाहिता दीदी, जो के वृंदावन से हैं, और उन्होंने आज हम सबको साथ लेके इसका उद्घाटन किया है। इसमें सबसे बड़ा जो कारण उन्होंने लिया है, जो भारतीय संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं, अपने बच्चे सारे पारिवारिक भाषा सारी भूल गए हैं, कोई भी किसी भी तरीके से अपना रहा है अपनी भाषा, अपना सारे संस्कार, तो उन्हें फिर अपनी पुरातन संस्कृति याद कराने के लिए इसका हमने आज उद्घाटन किया है। हम इसमें लगभग 8 ट्रस्टी शुरू से बने हैं और आगे और ट्रस्टी जोड़ेंगे, अच्छे अच्छे लोगों के साथ जोड़ के इसको एक पूरे भारतवर्ष में फैलाने की योजना है। और वो ही प्राणा कि अपना जो भारतवर्ष है फिर विश्व गुरु बने, पहले भी था, अब भी है और आगे रहेगा। विश्व गुरु भारत न्यास का आज उद्घाटन है और हमने इस न्यास को इसलिए सोचा कि ये जो देश में जो कुरीतियाँ हैं, जो हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ हमारे युवा बढ़ रहे हैं, उनको किसी तरीके से उससे अपनी भारतीय संस्कृति से विमुख होकर जो पाश्चात्य में जा रहे हैं, कि उनको वापसी लाएं, ये हमारा उद्देश्य है कि जितने भी युवा हैं वो जो पथ में भटक रहे हैं सिर्फ पाश्चात्य की वजह से, हम उस चीज़ को जो भी समाज के लिए हम वापसी कर सकें उसके लिए हमने ये न्यास की। देखिए, अभी ये सभी विश्व में ये भ्रांति है कि हम साइंस के युग में आध्यात्मिक साथ नहीं हो सकता, ये अध्यात्म से ही निकला हुआ विज्ञान है। अगर आज हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, एक उदाहरण है कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है, लेकिन उस आत्मा को आज की युवा पीढ़ी कहते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसी चीज़ को हम ये कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, तो वो नहीं मानते, लेकिन उसको हम साइंस के तौर पे कह रहे हैं कि एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, कभी ख़त्म नहीं होती है, तो उसको वो सबमिट करता है। तो वही हमारे अध्यात्म में, हमारे पुराने वेदों में ये चीज़ है, उसी को अगर हम विज्ञान के साथ ही जोड़ के, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हमने मोबाइल या जो भी आज साइंस तरक्की कर रहा है तो उससे विमुख होकर हम आध्यात्मिक जाना है। सबसे पहले तो संस्था के जितने पदाधिकारी हैं उनको बधाई देता हूँ
इतनी सुंदर सोच के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया है। जो भारतीय संस्कृति है उसका जितना भी हम प्रचार पर, क्योंकि हमें लौटना तो उसी पे पड़ेगा वापसी में, उसके लिए इतने अच्छे सुंदर कार्यक्रम के माध्यम से अगर प्रचार किया जाए, इसके लिए पूरी संस्था के पदाधिकारी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। देखो भारत एक करवट ले रहा है, अब करवट किस कदम किस कदर की और लोग किस तरफ लेगा, इसके लिए एक जो धर्म को बढ़ाने के लिए और धार्मिक व्यवस्थाओं को और अपनी तरीके से नियमित करने के लिए जो प्रावधान बनाने हैं या जो बनाए गए हुए हैं उनको आगे ले जाने के लिए एक धार्मिक संगठन की स्थापना हो रही है। और आप देखिए कि इसके लोगों के अंदर विवेकानंद जी की फ़ोटो है, जब विवेकानंद जी की फ़ोटो है तो आप उसको उस चेहरे को देख के समझिए कि जब तक ये देश भारत माता अपने परम पैरों पर नहीं पहुँच जाती है तब तक हम चलते रहेंगे। हमारा ये न्यास बनाने का उद्देश्य ये है, हम अपने बच्चों को, हम अपनी संस्कृति सभ्यता अपने पूर्वजों के जो कार्य हैं उनको दोबारा से स्मरण कराएं, उनको याद दिलाएं। अब तक जो हमारी शिक्षा प्रणाली रही उसमें हमारे बच्चों को वो सब शिक्षा नहीं मिली कि विश्व गुरु भारत न्यास ने ये प्रण किया है कि हम सभी स्कूलों में बच्चे जो पाँचवीं कक्षा छठी कक्षा या पाँच क्लास से ऊपर सात आठ क्लास तक के बच्चों को समझाएंगे, बतलाएंगे कैसा हमारा चरित्र होना चाहिए, सबसे पहले प्रथम हमारा राष्ट्र होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए, बाद में फिर अपना समाज होना चाहिए और उसके बाद अपना परिवार।